हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और आज हमारे पास है ट्रिक ऑफ द डे में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इंटीग्रेशन में से। ठीक है, तो आपके सामने तीन क्वेश्चन, आप ध्यान से देखना क्या इनमें डिफरेंस है। जहाँ पर सबसे पहला हमने एब्सोल्यूट वैल्यू, जो हमारे पास एक एब्सोल्यूट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं और ऐसे मॉडुलस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। मैंने थ्री डिफरेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर पिक किए हैं उसमें डिफरेंस क्या है, टू से लेकर फाइव एक्स माइनस थ्री है। जहाँ पर मैंने लिमिट को जानबूझकर एक जैसा रखा और अंदर जो फंक्शन है वो मैंने चेंज किए हैं। पहले तो मैं आपको टाइम देता, आप अपना एक मिनट का टाइम लीजिए या फिर आप इस वीडियो को पॉज करें, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें कि आपके आंसर कितने आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसको देखना। तो सबसे पहले हम इसको आंसर करते हैं कि हम इसको कितना फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, टू से लेकर फाइव और एक्स माइनस थ्री, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, मैं यहां पर आंसर लिखना है। तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा, टू माइनस थ्री की स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री की स्क्वायर ओवर आपके पास टू आएगा। सो दिस इज व्हाट, हमारे पास टू माइनस तो वन आ जाएगा जहां पर, तो थ्री की स्क्वायर फोर आ जाएगा ओवर टू। सो इसका आंसर आपके पास फाइव बाई टू आएगा पहले का। देखो कितना आसान था, जहां पर मैंने लिखा है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, अदरवाइज मैं डायरेक्ट टू माइनस थ्री करता तो मेरे पास माइनस वन की स्क्वायर वन आता और फाइव माइनस थ्री करता तो टू, टू की स्क्वायर फोर, तो मैं डायरेक्ट इसको जहां पर भी लेकर आ सकता था। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देना, इसका आंसर हम कितनी स्पीड में कर सकते हैं। देखिए जहां पर इंटीग्रेशन नहीं करें, हम एक ट्रिक यूज करें वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ट्रिक है। ठीक है, और इसमें हमने हमारे पास कैसे मैंने करना, जहां पर प्लस क्या है और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज हमारे पास टू माइनस सिक्स की स्क्वायर माइनस फाइव माइनस सिक्स की स्क्वायर ओवर आपके पास टू आ जाएगा। जहां पर आपके पास माइनस फोर दैट इज सिक्सटीन और वन बचेगा दैट इज आपके पास फिफ्टीन ओवर टू, इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर यदि हम देखें हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास टू से लेकर फाइव तक है और वन, तो इसका आंसर आपके पास आएगा फाइव माइनस वन की स्क्वायर और यहाँ पर टू माइनस वन की स्क्वायर ओवर टू, दैट इज यहाँ से हमारे पास फोर की स्क्वायर सिक्सटीन और वन दैट इज़ फिफ्टीन बाई टू। तो हमने थ्री डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन कर लिए। आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर एक मिनट से कम समय लगा होगा लेकिन हमने इनके आंसर कर दिए। तो दिस इज हमारी स्ट्रैटेजी। तो इसे ध्यान से समझिए, करना क्या है, आपके माइंड में डाउट आना चाहिए कि हमने जहाँ पर प्लस किया, जहाँ पर माइनस किया, जहाँ पर माइनस किया, तो कैसे पता चलेगा कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। तो उसके लिए मैं आपको एक फुल प्रूफ एक ट्रिक देने वाला हूँ और इस ट्रिक को ध्यान से देखना कि हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास लाइक ए से लेकर बी तक, तो मैं जनरल रिजल्ट आपको देने वाला हूँ जहाँ पर एक्स माइनस सी कर लीजिए इन टू डी एक्स। इसके तीन आंसर हो सकते हैं हमारे पास। सबसे पहला जो इसका आंसर होगा वो आपने लिखना है ए माइनस सी की स्क्वायर प्लस बी माइनस सी की स्क्वायर ओवर टू। कम हम इस अप्रोच को यूज़ करेंगे, हमारे पास थ्री नंबर्स है, ए है बी एंड सी। इफ़ आपके पास ऐसा हो ए लेस देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू बी, यदि आपके पास जे वाला पैटर्न है कि आपका सी नंबर सेंटर में आ रहा है दोनों, तो आपने प्लस करना है। ठीक है, तो जहाँ पर देखना हमारे पास क्या था, दिस इज टू लेस देन थ्री लेस देन फाइव था, तो मैंने इस ट्रिक को यूज़ कर लिया। और इसका आंसर कैसे आ सकता है हमारे पास, इसका आंसर हम लिख सकते हैं हमारे पास ए माइनस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी स्क्वायर ओवर टू। जे कब आएगा, इफ आपके पास जो ए नंबर है वो लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू हमारे पास सी। ठीक है, तो जहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं लिखते, यदि इक्वालिटी होगी तो वो आपके पास जीरो आ जाएगा, तो हम इक्वालिटी के साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन में इक्वालिटी लिखेंगे आंसर जीरो आ सकता है। सो दिस इज द सेकंड पैटर्न, जब आपके पास ऐसे नंबर हो, तो जहां पर ध्यान से देखना हमने क्या किया है, दिस इज द दिस कैटेगरी। तो जहां पर हमारे पास क्या था, जो भी नंबर है आई थिंक जी हमने कौन सी कैटेगरी यूज की है, जहां पर कैटेगरी यूज की है दैट इज टू लेस देन फाइव लेस देन सिक्स, इसके लिए हमने जी आंसर यूज कर लिया कि आपके पास ए माइनस ई स्क्वायर माइनस फाइव माइनस सिक्स स्क्वायर ओवर टू, तो जे कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी में क्या हो सकता है, तो जी हम कब अप्लाई करेंगे, बी माइनस ई स्क्वायर माइनस ए माइनस ई स्क्वायर ओवर टू, तो जस्ट लिमिट और नंबर्स की गेम है जहाँ पर। इफ आपके पास क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, इफ हमारे पास क्या है, सी लेस देन ए लेस देन बी, तो थोड़ा सा ध्यान देखना। तो थ्री कैटेगरीज है, जी याद कैसे रखेंगे इसके ऊपर भी हम यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। सी आपका नंबर मेन है, आपने इसको देखना है। तो हमारे पास कैसा है, थोड़ा सा और इसको मैं आपके लिए करता हूँ, जहाँ पर आपके पास जो नंबर है वो बिलोंग करता है आपकी इंटरवल ए बी को, इसका मीनिंग सी आपका इनसाइड है। जब भी आपका सी नंबर इनसाइड होगा, जब भी हमारे पास जो नंबर है सी इनसाइड होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे,
प्लस करेंगे। फिर से सुनना, जब आपके के पास नंबर क्या था 235, तो 3 आपके सेंटर में आ रहा था, तो आपने ऑलवेज क्या यूज करना है, प्लस। ध्यान से देखना, आपको होमवर्क मिलेगा जहां पर, ठीक है। और जब आपके पास सी इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, तो आपके पास टू पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो सी आपका लेफ्ट साइड में होगा, या फिर आपका सी कैसा होगा, राइट साइड में। तो आपके पास टू पॉसिबिलिटीज है, तो जहां पर भी आपके में क्या करना, जब हमने जे वाली पॉसिबिलिटी यूज करनी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कौन सा पहले करना, कौन सा बाद में करना। तो आपने यहां पर सी की डिस्टेंस देखनी है, सी की डिस्टेंस जहां पर बी से ज्यादा है, सी और बी में डिस्टेंस ज्यादा है, सी और ए में कम है, और इंटीग्रेशन हमें एरिया देती है और एरिया पॉजिटिव आता है। तो जब आपको लगे कि सी की डिस्टेंस बी से ज़्यादा है, तो आपने सी वी का डिफरेंस पहले लेना है माइनस सी ए का, बिकॉज इसका आंसर आपके पास लार्ज आएगा, इसका स्मॉल आएगा, दोनों को माइनस करेगा तो आंसर आपका पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर सी की बी से डिस्टेंस ज़्यादा थी, ए से कम थी, तो हमने सी बी माइनस सी ए ए सी किया, ठीक है। तो हमारा हो गया। अब आपको पता चलेगा इस केस में आपका जो ए है वो सी से दूर होगा, जे ज़्यादा लेंथ होगी, तो इसमें से हमने स्मॉल वाली लेंथ को माइनस कर देना है। तो ये हमारा जे केस था। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, गर्मी का मौसम है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है कि आपके लिए डेली एक लेक्चर यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अभी आपका होमवर्क यहाँ पर आने वाला है, तो ध्यान से करना। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो अपना होमवर्क नोट करें, यहाँ पर आपका होमवर्क क्या है, आपने 3 और 10 जहाँ हमने लिमिट ली है, मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव, जे आपका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आपको जहाँ पर लगेगा कि जे सर ने क्या कर दिया, अरे सिंपल है, मॉड ऑफ एक्स को आपने लिख लेना है मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो, तो आपकी सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बाकी ए भी आपके पास है। तो जल्दी से इन आंसर को करिए, अपनी नोटबुक पर अपने नोट्स बनाइए, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बहुत ही ईमानदारी के साथ, प्यारी सी स्माइल के साथ अपने आंसर लिखे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या आंसर दिया, आपने किसी का आंसर ऑब्जर्व नहीं करना, आपने खुद क्या किया, आपने खुद कितने ध्यान से पढ़ा और कितने पैशन से आप कर रहे हो, आप उसका रिस्पॉन्स नीचे कमेंट बॉक्स में दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लाइकिंग। तो उसको लाइक करना मत भूले। तो मिलते हैं कल एक और प्यारी सी ट्रिक के साथ, ख्याल रखे अपना, थैंक यू वेरी मच।